दीपक सिंह का घर है जहाँ पे मिनी गन फैक्ट्री चल रही है अवैध रूप से। इसी में एएसपी सदर के द्वारा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और गौरीचक एसएचओ के द्वारा रेड किया गया और साथ ही साथ दो वहाँ पे व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई जो कि मौके वारदात में मौजूद थे। ये दो लोगों का नाम है मोहम्मद चुन्ना और मोहम्मद एहसान। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, भट्टी की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, पटना में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और भारी मात्रा में गन बनाने का सामान भी जब्त किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के ग्रामीण एसपी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। गौरीचक थाना अंतर्गत पियरिया गांव है और पियरिया गांव से हम लोगों को आज गुप्त सूचना मिली कि वहां पे एक दीपक सिंह का घर है जहां पे मिनी गन फैक्ट्री चल रही है अवैध रूप से। इसी में एएसपी सदर के द्वारा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और गौरीचक एसएचओ के द्वारा रेड किया गया। रेड करने पे जो दीपक सिंह के घर है वहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया। सर्च के दौरान उसके घर में अंडरग्राउंड तहखाना मिला जहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और साथ ही साथ दो वहाँ पे व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई जो कि मौके वारदात में मौजूद थे। ये दो लोगों का नाम है मोहम्मद चुन्ना और मोहम्मद एहसान। ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, बरधा के रहने वाले हैं, मुफस्सिल थाना अंतर्गत, और पहले से आर्म्स एक्ट के अपराध में जेल जा चुके हैं। इसमें जो जिसका घर था दीपक सिंह, वो भी अभी वर्तमान में जेल में है। आर्म्स एक्ट के केस में एक महीना पहले ही गौरीचक थाना से वो जेल गया है और उसी के पास से एक हथियार बरामद हुआ था और उसके बाद से लगातार हम लोगों को ये सूचना थी कि वहाँ पर इस तरह का कारोबार चल रहा है। उसी में एएसपी सदर के द्वारा जो टीम गठन किया गया उसमें रेड हुआ और उसमें सफलता मिला है। इसमें जो बरामद हुआ है रॉ मटेरियल हम लोगों के पास बरामद हुआ है। इसमें लेथ मशीन है और अन्य सामग्री है जिससे हथियार का ये लोग बनाते थे। भारी मात्रा में बरामद हुआ है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कई चीज़ जो पिस्टल है भारी मात्रा में निर्मित होने वाला था। करीब 30 से 35 पिस्टल जो बनाने वाले का सामान हम लोगों के पास मिला है। इसमें स्प्रिंग मिला है, बट प्लेट मिले हैं और लेथ मशीन मिले हैं, इसके अलावा अन्य सामग्री मिला है। इसमें जो इन लोगों से हमने पूछताछ किया है, इस पूछताछ क्रम में मालूम पड़ा है कि दीपक सिंह जो कि वर्तमान में जेल में, उनके ये लोग पुराने सहयोगी हैं और मुंगेर से ही सामान ला करके ये लोग यहाँ पे बना करके इसको बेचते थे। इस पर अन्य पूछताछ चल रही है, इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। ये जो सूचना है हम लोगों को जो बता रहे हैं, कुछ महीने से ये लोग चल रहा था और दीपक सिंह की हाल में अरेस्टिंग भी हुई थी लेकिन मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन नहीं हो पाया था। उसके बाद गुप्त सूचना मिली तो हम लोग रेड करके ये चीज़ की है। जो रॉ मटेरियल था यहाँ पे लाके बनाते थे और जो अभी इनिशियल पूछताछ में सामने आया है वो करीब 20 से 25,000 में एक पिस्टल ये लोग बना करके तैयार करके बेचते थे। संगठित गिरोह है जिसके बारे में इंटरोगेशन की ज़रूरत है। अभी हम लोग और इस पर इंटरोगेशन कर रहे हैं और इसके ग्रुप में और कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुंगेर में भी लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है और लगातार वहाँ भी पिस्टल और अवैध हथियार पकड़ाया जा रहा है। इसमें हम लोग वहाँ पे जो लोकल मुंगेर पुलिस है उनसे समन्वय स्थापित करके जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि जो वहाँ के लोग अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई करते हुए इस पे रोक लगा सकें। हाँ, इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि अब तक इन्होंने किस किस को सप्लाई किया है, कहाँ कहाँ इनके कनेक्शंस रहे हैं, उन सब पे हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी आप पटना के ग्रामीण एसपी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोगों का तार मुंगेर से जुड़ा हुआ, उतना ही नहीं जिनके मकान में ये गन बनाए जाते थे उनको एक महीने पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पर जो इन लोगों का प्रोसेस था वो सामान लाते थे और जो गन है वो बनाए जाते थे और एक गन का कीमत लगभग 25,000 रुपये बताया जा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडीज के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।